नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, हाल ही में NSE के बैनर तले पेंशनरों का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर संपन्न हुआ था और हमने एक वीडियो में कवर भी किया था कि आंध्र प्रदेश का ऑल पेंशनर एंड रिटायर्ड पेंशन एसोसिएशन फिर से 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है। तो साथियों, यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का यह संगठन EPS 95 की मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। यहां पर तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि काफ़ी संख्या बल इस संगठन में है और ये भी EPS 95 मिनिमम पेंशन की मांग 9000 प्लस DA की कर रहे हैं। हायर पेंशन का उचित लाभ सभी को मिले इसकी मांग कर रहे हैं। रेलवे कंसेशन सीनियर सिटीजन को मिले उसकी मांग कर रहे हैं और EPS 95 पेंशनर को मेडिकल फैसिलिटी प्रो मुहैया हो इसकी भी मांग ये संगठन कर रहा है। तो साथियों, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी तरीके से ये 60 वर्ष से ऊपर के सारे रिटायर्ड पर्सन हैं जो EPS 95 के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश का ये संगठन है जो यहाँ पर दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि इनमें काफ़ी रोष व्याप्त है, काफ़ी संख्या में ये लोग आंध्र प्रदेश से चलकर यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों से भी इस संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आंदोलन 3 दिन तक चला था, 6, 7 और 8 अगस्त को। हालांकि ये NSE का जो आंदोलन हुआ था उसके मुकाबले संख्या बल थोड़ी कम है, क्योंकि NSE का संगठन काफ़ी मजबूत है और काफ़ी प्रांतों में फैला हुआ है और देश का सबसे बड़ा संगठन है जो EPS 95 पेंशनर्स की हक की लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, मैंने पहले भी कवर किया था कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको एक होकर काम करना होगा, NSE के साथ में आकर काम करना होगा, तभी जाकर सरकार की नींदें उड़ेगी और सरकार इनकी मांगों को मंजूर करेगा। लेकिन जब तक ये जितने भी संगठन हैं वो अलग अलग अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अलग अलग आंदोलन करेंगे, तो जो लड़ाई है उसका प्रभाव कम हो जाता है और सरकार भी इसी तरह की चाहती है कि ये लोग टुकड़ों में बटे रहें और इसी तरह से लड़ते रहें। तो साथियों, ये संगठन अभी आंदोलन कर रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन इन्हें NSE के साथ में आकर या फिर बहुत सारे जितने भी संगठन हैं जो देश में चल रहे हैं EPS 95 पेंशनर की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एक साथ आकर लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी जो है बात बनेगी और तभी पेंशनरों को उनका उचित न्याय मिलेगा। तो साथियों, ये एक अपडेटेड थी जो दिल्ली के जंतर मंतर से निकल कर आ रही थी। आंध्र प्रदेश का ये संगठन ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन का ये संगठन आंदोलनरत है दिल्ली के नए जंतर मंतर पर। साथियों, आपको ये अपडेट कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।